डीमार्ट मैनेजर को किडनैपिंग की कहानी रचना उसके लिए मुसीबत बन गई। नौकरी गई, परिवार छूटा। इसके साथ साथ जिस तरह से वह पैसों के लिए खुद की किडनैपिंग की प्लानिंग किया, उसमें वह खुद गिरफ्तार हो गया। दरअसल मुंबई के भांगू नगर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो बतौर मैनेजर डीमार्ट में कार्यरत था। उसके अनुसार करीब 10 लाख के कर्जे में था। इसी कर्जे को चुकाने के लिए उसने खुद की किडनैपिंग की कहानी रची। दरअसल वो अपने साथी के साथ मिलकर एक किडनैपिंग की कहानी बनाई, जिसमें वह खुद एक टेम्पो में बैठा हुआ, रस्सी से बंधा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वीडियो उसके दोस्त ने बनाई। वीडियो बनाने के बाद उसने अपने परिवार को वह वीडियो भेजी और एक मैसेज दिया कि उसका किडनैप हो गया है और किडनैपर को 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। परिवार को जैसे ही इस तरह की वीडियो मिली, परिवार सकते में आ गया और परिवार तुरंत भांगू नगर पुलिस को संपर्क किया। रात करीब 2 बज रहे थे। भांगू नगर पुलिस कुछ अधिकारी घर चले गए थे, कुछ अधिकारी नाइट ड्यूटी में थे। ऐसे में जैसे ही किडनैपिंग की वीडियो देखी, लोगों के होश उड़ गए। आनन फानन ने पुलिस ने सभी टीमों को वापस बुलाया और जाँच शुरू की। जाँच में पता चला कि जिसने किडनैपिंग की साजिश रची थी, वह अपना मोबाइल बंद करके खुलेआम घूम रहा था। परिवार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे थे, मुंबई पुलिस चारों तरफ उसकी तफ्तीश कर रही थी, लेकिन वह बाइक पे सैर सपाटे करते हुए नजर आया। मुंबई की भांगू नगर पुलिस जब वीडियो बनाने वाले शख्स की शिनाख्त की और उससे पूछताछ की, तब यह खुलासा हुआ कि उसके दोस्त ने ही यह वीडियो बनाने के लिए कहा था, जिसमें उसने 5 लाख की फिरौती मांगी थी। दरअसल सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि करीब 11 बजे के आसपास वह डीमार्ट से निकलता है और बाहर आता है और वहाँ रास्ते में खड़ी एक ऑटो रिक्शा में खुद को रस्सी से बांधकर वीडियो बनवाता है और परिवार को भेज देता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि वह खुद तो परेशान हुआ, उसका परिवार परेशान हुआ, मुंबई पुलिस परेशान हुई, उसकी नौकरी तक चली गई। ऐसे में जो लोन था और उसका बढ़ गया। लिहाजा अगर पुलिस को शायद इस तरह की कहानी न रचता तो शायद उसकी नौकरी बरकरार रहती और वो लोन के जो पैसे हैं वो धीरे धीरे चुकते हो जाते, लेकिन वैसा ना करते वो खुद गिरफ्तार हो गया। अब उसकी नौकरी चली गई, परिवार भी बेहद नाराज चल रहा है। देखना यह होगा कि जिस तरह से उसके दोस्त ने वीडियो बनाई है, क्या दोस्त को भी गिरफ्तार किया जाता है, या जिस टेम्पो में बैठकर उसने यह साजिश रची है, क्या टेम्पो चालक भी गिरफ्तार होता है, क्योंकि इसमें कई लोगों की मिलीभगत के चलते इस तरह की किडनैपिंग की साजिश रची गई। कल सुबह सुबह अंदाजा 5:30-6 बजे के आसपास एक कंप्लेंट भांगू नगर पुलिस में प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जितेंद्र जोशी अंदाजा 27 वर्ष, उसका किडनैपिंग हो गया है। वैसा फ़ोन रात में 2 बजे उसकी पत्नी के मोबाइल पर ऐसा एक व्हाट्सएप कॉल आया था उसी के नंबर से, जिसमें तुम्हारे पति का किडनैपिंग हो गया और उसको छुड़ाना चाहते तो 5 लाख रुपये का फिरौती दो, इस तरह का कॉल प्राप्त हुआ था। तो वो आदमी विक्टिम काम करने के लिए डीमार्ट भांगू नगर हद में नौकरी में था। 11:30 बजे शिफ्ट पूरी होने के बाद घर नहीं पहुंचा था, इसलिए जैसे ही फैमिली अप्रोच हुई, इमीडिएटली विषय की गंभीरता के हिसाब से हमने इसमें पूरी हमारी टीम्स को एक्टिवेट किया
जो भी सीसीटीवी थे डीमार्ट के अंदर भी, जो भी उसके साथ काम करने वाले उस शिफ्ट में थे, उनसे पूछताछ करना हो या अदर हमारे एनालिसिस टेक्निकल होती है, सबका हमने इमिडिएटली शुरू किया। एंड उसके अंदर इस सब एनालिसिस के बाद शाम को कल 5 बजे, मतलब विद इन 12 आवर्स, उस व्यक्ति को रिकवर करने में या पुलिस स्टेशन में हाजिर करने में पुलिस को सक्सेस प्राप्त हुआ है। पूछताछ के बाद ऐसा समझ में आया है कि ये पूरा उसने ही खुद से ही अपना ये नाटक किया था किडनैपिंग का, और कुछ लोन वगैरह उसने लिया हुआ था जिसके कारण उसको पैसे का ज़रूरत था, तो पिता से पैसे लेने के लिए इस तरह का नाटक उसने अंजाम दिया। तो इस तरह का खुद से नाटक करने के लिए इसके केस के अंदर हमने 420 का सेक्शन भी ऐड किया किडनैपिंग का, और उस व्यक्ति को ही अरेस्ट करके आज कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया है। कोर्ट ने 3 तारीख तक का पुलिस कस्टडी इसके अंदर दिया है। अभी आगे का इसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसने कैसे किया ये प्लानिंग, क्यों किया, किसके साथ किया। सर, जो किडनैपिंग के वीडियो उसके फैमिली ने पुलिस को दिखाया, उसमें क्या कुछ, किस तरह का अपने आप को प्रेजेंट किया था? एक वीडियो भेजा था फैमिली का जिसमें हाथ पैर बंधे हुए वगैरह था उस तरह का, उसको जब्त किया गया है गुने का, अभी वो तपास का भाग है, पंचनामा करके उसको प्रॉपर 65B के साथ हमने जब्त किया है। सर, क्या यह लोन चुकता करने के लिए प्लानिंग किया था या फिर खुद को हाईलाइट करने के लिए? ऐसा समझ में आ रहा है कि कुछ लोगों से लोन लिया हुआ था उसने, बट एग्जैक्टली क्या कारण था, क्यों है, वो अभी हमने इसीलिए पुलिस कस्टडी लिया इन सब मुद्दों के ऊपर, तो अभी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसी के हाथ के नीचे काम करने वाला, मतलब डी मार्ट में उसी की टीम में जूनियर व्यक्ति को उसने इस यूज काम के लिए यूज किया है, एग्जैक्टली उसका रोल कितना है, इस साजिश में वो रोल था या उसका इसने यूज किया, ये हम अभी वेरीफाई कर रहे हैं। एंड उस हिसाब से उसको अरेस्ट करना है, उसको साक्षीदार रखना है, हम डिसीजन लेंगे। नहीं, बाहर, नॉट इन डी मार्ट, बाहर। वो अभी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे आज, क्योंकि हम ये जितेंद्र जोशी ये 27 साल का है, घूम रहा था। इससे पहले इसने कुछ प्लेसमेंट यहाँ मुझे लेना है या कुछ प्लानिंग कर रही है? नहीं, यही इधर उधर बीच में, मतलब मारवे साइड भी गया, कोशी वाला साइड, अलग अलग ठिकान पे वो घूमता रहा, और शाम को 5 बजे हमने इसको रिकवर करने में सक्सेस कर लिया। यही नज़दीक से डिटेन किया, उसने जो अपना दोस्त था उसको बुलाया था, 5 बजे का टाइम दिया था, पहले हमने दोस्त को डिटेन किया था, दोस्त से पूछताछ किया, व्हाट्सएप को लाया था उसी के नंबर से। तो बेसिकली ऐसा दिखाया गया था कि किडनैपर विक्टिम के ही मोबाइल से कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल।